हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डू, डस और डिड। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे बहुत बच्चों का क्वेश्चन था, सर आपने स्पीच में अगर कॉमा के बाद स्पीच में डब्ल्यू एच की फैमिली हुई तो आपने वो बता दिया। सर अगर स्पीच नहीं हुई, डब्ल्यू एच की फैमिली नहीं हुई तो उसके बारे में आपने बताया कि कॉमा हटाकर इफ या वेदर यूज करना। लेकिन सर डू, डस और डिड अगर रिपोर्टेड स्पीच में हुआ तो हमें इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस जो है नरेशन का, तो हम कैसे उसको बदलेंगे इसके बारे में आप बता दीजिए। तो मैं यहाँ यही वीडियो लेकर आया हूँ आपको सिखाने के लिए। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। तो हम लोग अब यहाँ पे सीखेंगे डू, डस और डिड जब है रिपोर्टेड स्पीच में हो, रिपोर्टेड स्पीच में हो, कॉमा के बगल में हो, तो हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। ये हम यहाँ पे रूल्स लाए हुए हैं, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, रूल नंबर थ्री। तीनों प्रकार के रूल्स हैं जिसमें मैंने अलग अलग करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप आइए पहले रूल पे। तो पहला रूल कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डू या डस हो, डू या डस लिखा हो, दिया हुआ हो, तो और उसके बाद नॉट ना हो, नॉट लगा हुआ ना मिले, केवल डू या डस लिखा हुआ हो, कहां पे? रिपोर्टेड स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डू अथवा डस को हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। मुख्य क्रिया मतलब वर्ब जो होगी, मेन वर्ब होगी, उसमें जो है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल पास्ट टेंस में बदल देंगे। कहने का मतलब रूल नंबर वन में है अगर डू या डस रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है बच्चों, तो हमें डू या डस कुछ भी दिया है उसको हटा देना और उसको क्या करना है, उसके बाद जो होगा मुख्य क्रिया होगी उसको हमें इसमें बदल देना है, सिंपल पास्ट टेंस में बदल देना है। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो यहां पे मैं एग्जाम्पल भी लेकर आया हूं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, राम सेड टू हरि, राम ने हरि से कहा डू यू गो देयर, क्या तुम वहां गए। तो यहां पे डू यू गो देयर तो हो गया, देखो कॉमा के बाद हमने देखा डू दिया हुआ है लेकिन नॉट नहीं लिखा, डू नॉट, डज नॉट नहीं दिया हुआ है, डजेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल डू दिया हुआ है। तो यही रूल कहता है डू दिया हो या डस दिया हो, अगर नॉट नहीं दिया है तो उसको रिमूव कर देना है, उसको हटा देना, सेंटेंस जब बनाना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो यहां पर देखा हमने राम सेड टू हरि डू यू गो देयर, तो हम यहाँ पे देखते हैं राम का राम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेट टू को मुझे मालूम है, सेट टू का क्या होगा, आस्क्ड होगा ना, तो हमने यहाँ पे सेट टू को आस्क में लिख दिया, हरि का हरि लिखा, तो राम आस्क हरि। कॉमा हटा कर क्या करेंगे, हमने बताया था जब भी डब्ल्यू एच की फैमिली होगी तो हमें इफ या वेदर का यूज नहीं करना, अगर कुछ और होगा तो हमें इफ या वेदर का यूज करना पड़ेगा। तो डू दिया है तो हमने यहाँ पे कॉमा को रिमूव किया, इफ लगा दिया, ठीक है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर डू दिया है, डू के बाद नॉट नहीं दिया है तो डू को हटा देना, तो मैंने डू को हटा दिया। पर्सन कौन है, यू, और यू कौन है, हरि, हरि सेकेंड पर्सन है, तो हम हरि क्या है, लड़का है, तो मैंने यहाँ पे ही लिख दिया। अब देखो उन्होंने कहा और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट में बदल देना, मेन वर्ब क्या है, गो, अब इसको पास्ट में बदलेंगे तो गो वेंट गॉन, तो गो का क्या होगा, वेंट लिख दिया, और देयर का देयर लिख दिया। हो गया आपका पहले रूल के अकॉर्डिंग अगर डू या डस दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो डू या डस को हटा देना है और जो मुख्य क्रिया होगी उसको सिंपल पास्ट टेंस में बदल देना, ठीक है। इतना सा, चलिए मूव करते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डस के बाद नॉट हो,
यानी कि यहां पढ़ा था डू हो डज नॉट, डू हो डज हो, नॉट ना लगा हो, तो पहले रूल में पढ़ा था, लेकिन सेकेंड रूल में बता रहा है डू डज के साथ नॉट अगर लगा हुआ हो तो डू या डज के स्थान पर डिड का कर दिया जाता है। डू या डज दिया होगा उसके स्थान पे आप डिड का यूज कर दोगे, और मुख्य क्रिया इसी प्रकार रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब पास्ट टेंस स्वतः बन जाता है, यानी कि जो सेंटेंस में वर्ब यानी मुख्य क्रिया है वो पास्ट टेंस में स्वतः बन जाएगा। तो कैसे होगा, दोनों में डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पे डू या डज लिखा हो, नॉट नहीं लगा है, तो हमें डू को हटा देना, डज को हटा देना, लेकिन इस केस में अगर डू नॉट डज नॉट दिया हुआ है तो उसको डू या डज को डिड में बदल देना है और नॉट लिखेंगे ही लिखेंगे। कैसे होगा, कैसे होगा, यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, फादर सेड टू राम डोंट यू गो टू कॉलेज ऑन अ रेनी डे। यहाँ पे हमने देखा डू नॉट लगा हुआ है, लिखा हुआ है ना, तो यही बोला गया है डू नॉट लगा हो तो हमें किस में चेंज कर देना है, डू को डिड में चेंज करना है और नॉट लगा देंगे तो डिड नॉट हो जाएगा, और मुख्य क्रिया जो होगी वो वर्ब की पास्ट टेंस में बदल जाएगी, आराम से बदल जाएगी, क्योंकि यहां देखेंगे फादर सेड टू को मुझे पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें आस में बदला जाता है, कॉमा पहुंचे आगे, कॉमा मिला तो मुझे पता है इफ या वेदर का यूज करना ही है। उसके बाद हम देखेंगे पर्सन, पर्सन यू, यू कौन है, राम, राम यहाँ पे राम है तो यू की जगह हमने क्या लिखा, ही लिख दिया। अब है डू नॉट को हमने डिड नॉट चेंज कर दिया, गो का गो, टू का टू, कॉलेज का कॉलेज, ऑन अ रेनी डे। तो यहां पे हमने देखा कि जब भी है डू नॉट या डज नॉट है वो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा तो स्वतः ही जो सेंटेंस है वर्ब जो है पास्ट टेंस में बन जाएगा। तो यहां पे हमने देखा दूसरा रूल जो बहुत ईजी था, समझ में आया होगा बेटा, यहाँ पे डू डस, डू और डस का यूज किया गया है लेकिन नॉट का यूज नहीं होगा। अगर डू या डस के साथ नॉट का यूज हो रहा है तो डिड में बदल दिए जाएगा, सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देंगे। तीसरा रूल, फाइनल रूल क्या है, अगर सर डिड लिखा हो, अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में डिड दिया हुआ है, डू नहीं दिया है, डज नहीं दिया है, डू नॉट नहीं दिया है, डज नॉट नहीं दिया है, डिड दिया हुआ है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब हो, तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। किस चीज में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, जब डिड जो है हेल्पिंग वर्ब में रूप में दिया हुआ है। कहां दिया होगा, रिपोर्टेड स्पीच में दिया होगा ना, कॉमा के पहले नहीं, कॉमा के बाद में दिया होगा, तो हमें वॉच करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, भाई हमको पता है, सेड को हम आस्क लिखते हैं, इफ कॉमा हटाकर मैं इसको लिखता हूं, तो ही आस्क मी इफ, इतना सभी बच्चों को आता है, बस कंफ्यूजन डू डज डिड इसमें थी, तो यहाँ पे आई हो क्लियर ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे अब यू कौन है, यू मी मैं आई, तो हमने यहाँ पे आई लिखा, और डिड को हम क्या करेंगे, डिड लेंट हैड, हैड डिड को हैड बदला, लेंट को लेंट में बदल दिया, तो हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल गया। अब आगे हम बढ़ेंगे, मी होगा, मी को हम हिम लिखेंगे, योर को हम माई लिखेंगे, बुक को बुक लिखेंगे, तो सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया, ही आस्क मी इफ आई हैड लेंट हिम माई बुक। तो यहां पे हमने देखा
तीन रूल्स के बारे में देखा, इंट्रोगेटिव नरेशन चैप्टर का, इंट्रोगेटिव का डू डस डिड के बारे में देखा, और हमने एग्जांपल भी यहाँ पे किए। आई होप ये समझ में आया होगा वीडियो, ये नहीं समझ में आया है तो हमें भी बताइएगा, मैं और भी एग्जांपल लेकर आपके सामने आऊंगा। ठीक है, आप है जो वीडियो वॉच कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए ताकि और भी पढ़ने वाले बच्चों को हेल्प मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस आपके सामने लाऊं। ठीक है, सभी लोगों को थैंक्स, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।